हरियाणा जी के मॉक टेस्ट नंबर 83, हीर रांझा किसकी रचना है? तो इसका जवाब आएगा हरदेव। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? इसका जवाब आएगा 11 अक्टूबर 2014। स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया? तो इसका जवाब आएगा 6 जुलाई 2015। हरियाणा की बाल ग्रामीण मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो इसका जवाब आएगा 44। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा में किस वंश का शासन था? तो इसका जवाब आएगा कुरु वंश। और ये सवाल आपको अभी हाल फिलहाल हुए एचएसएससी ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिला होगा। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो इसका जवाब आएगा राखीगढ़ी। ये सवाल भी एचएसएससी ग्रुप डी में था। राज्यवर्धन व हर्षवर्धन का अनुचर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब आएगा कुमार गुप्त व माधव गुप्त। गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग किसने बनवाया? तो यह बनवाया था बलबन ने। भिवानी का नाम भिवानी कैसे पड़ा? तो ये पड़ा राजा भवानी सिंह के नाम पर। झज्जर के संस्थापक कौन थे? झज्जर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे झज्जू जाट। तिलपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ? तो इसका जवाब आएगा राजा जवाहर सिंह व नजीबुद्दौला के बीच। राजा गुरुबख्श सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो इसका जवाब आएगा अंबाला। इनाम अली कलंदर मौलवी का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से था? तो इसका जवाब आएगा पानीपत। महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? तो यह होता है रोहतक का। वर्ष 2016-17 के बजट में शिक्षा एवं खेल के लिए कितने करोड़ का बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 13,390.11 करोड़ का। मक्की उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका जवाब आएगा पंचकुला। बाजरा उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो यह आएगा चौथा। गन्ना उत्पादन में जिलों को घटते क्रम में बताइए। तो जैसे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले नंबर पर है यमुनानगर, तो आप देख लीजिए पहले नंबर पर एक ही है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी। पहले पे यमुनानगर, दूसरे पे करनाल, तीसरे पे अम्बाड़ा और चौथे पे सोनीपत। औदीच्य ब्राह्मण समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ करनाल से। स्थूल भद्र जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो ये थे मालदेव। इस तरह के सवाल भी आपको ग्रुप डी में अभी देखने को मिले हैं। गांव की ओर उपन्यास किसका है? तो ये है मधुकांत का। स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्णफूल। अभिनेता मनोज कुमार का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है झज्जर से। सूर्य सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर इसका जवाब आएगा 1.5 लाख रुपए। कुश्ती में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली गीतिका जाखड़ का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जवाब आएगा हिसार। चंद्र किरण किसकी रचना है? तो ये है बाजे भगत की। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1 नवंबर 2014 को। थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 4 अगस्त 2015 को। थारी पेंशन थारे पास से संबंधित भी एक सवाल ग्रुप डी में पूछा गया था अभी। हरियाणा की बाल शहरी मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो ये है 32। चमकीले काले मृदुभान जगाधरी के निकट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जगाधरी के पास तो एक ही जगह है, इसका नाम है सूग, क्योंकि मित्तथल भिवानी में है, राखीगढ़ी हिसार में है। तो आपको हमारे चैनल पे ये जो 30 सवाल हैं ये 3 से 4 मिनट में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे चैनल हैं जो 30 सवाल के लिए आपको एक एक घंटे तक बांध के रखेंगे, जो कि टोटल टाइम वेस्ट है। आपको 30 सवाल है, 30 सवाल आपको जानने के लिए 3 या 4 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, वही कोशिश हम करने में लगे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने रिव्यू आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके एचएसएससी के आने वाले एग्जाम के लिए। हमने हमारे चैनल पर हरियाणा जीके मॉक टेस्ट सीरीज के साथ साथ हरियाणा जीके जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया गया उसके भी एक पूरी सीरीज कंप्लीट किया है, और आपको और वीडियो देखने को मिलेंगी कि एचएसएससी पेपर कहाँ से बनाता है,
आंकड़ों से संबंधित सवाल कहाँ से आते हैं, जो आपके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से संबंधित सवाल कहाँ से आते हैं, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।